आज फिर से निकल पड़ी है एक यात्रा पर। ये तो प्यार है। बाय चिकू। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से, और अभी मौसम आज अच्छा ठंडा ठंडा सुहाना सुहाना हुआ है। गिर गया तो मैं यहाँ पीछे तक जा रही हूँ, बुआ ने घास काटा हुआ है तो ये पीठ के लिए ले जा रही हूँ बोरू उनके लिए। तो फिर क्योंकि पीछे हरा घास होता है ना तो पीठ में लग जाता है, हरा हरा वो लेके नहीं गए। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं अपने साथ, और स्टे ट्यून्ड गाइस, बने रहिएगा इस व्लॉग में अंत तक। मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या शूट करने वाली हूँ, देखते हैं कि क्या क्या होता। तो आज का व्यू आप सभी को दिखा देती हूँ कि मस्त मस्त सुहाना सुहाना हरा हरा सा नज़ारा हुआ होता है आजकल, क्योंकि बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा उसके बाद, बट गर्मी एज यूजुअल पहले जैसी ही है। सो ये रहा आज का नज़ारा, मौसम का नज़ारा। शाम का मौसम है तो ऐसे ही थोड़ा ढलता हुआ सा ही है, मतलब उतना क्लियर जैसा नहीं है। जैसा मैं जा रही थी आप सभी को दिखाना, वैसे दिखा नहीं पाऊँगी, उसके लिए मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, बट फिर भी नॉर्मल सा व्यू दिखा देती हूँ कि कुछ ऐसा है। और यहाँ से ना निर्मल भी दिखाई देता है। वैसे ये जो पार वाली चोटी आपको नज़र आ रही है ना, दो, अब पता नहीं इनमें से है, पता नहीं यार, पता नहीं, नो आइडिया। ये सामने जो नज़र आ रहा है ना आपको गांव, ये मोइन है, मोइन रेतीला क्षेत्र, जहाँ पर कि मूँगफलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब पता नहीं होती होगी, बट पहले बहुत होती थी, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा धनी हो रहे हैं। ये रहा घास, रास्ते वाला घास काट रहे हैं आजकल बुआ, क्योंकि रास्ते क्लियर होने चाहिए। कीड़े मकोड़े बहुत मिलते हैं और मक्खी मच्छर भी बहुत आते हैं। बुआ लगाओ। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू हिमालयन डायरीज। तो हम आज फिर से निकल पड़े हैं एक यात्रा पर, व्लॉग कंटिन्यू करूँगी, और हमारे टूर्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब यह सोई हुई है, थोड़ी सी धूप लगी है इसलिए छाता लगाई हुई है। तो कहाँ जा रहे हैं अब आपको मैं रोड में पहुँच के ही बताऊँगी, क्योंकि इसके साथ व्लॉग बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो स्टे ट्यून्ड टू वॉच वेयर वी गोइंग। मम्मी भी है हमारे साथ, हम तीनों ही जा रहे हैं। तो चलिए फिर चलते हैं रोड की तरफ। घास ही घास है इधर, बहुत ज़्यादा छाता लगाना भी इम्पॉसिबल है। फाइनली हम लोग सड़क में पहुँच चुके हैं और मम्मी अभी तक नहीं पहुँचे, वो आ रहे हैं। और धूप इतनी तेज़ है ना कि क्या बताएं, आंखें भी नहीं खुल रही है। सो मैं बता देती हूँ आपको, जितने तक आते हैं वो लोग, कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं आज आनी। आपने मेरे व्लॉग में देखा कि दीदी आए हुए थे, वो मेरे मासी की बेटी है, वो वहाँ पे जॉब करते हैं। आनी में शादी उनकी सुंदरनगर में हुई हुई है, तो फिर हम लोग भी उनके साथ ही जा रहे हैं। वो गए थे ज्यूरी अपने भाई के पास, कॉट ब्रदर के पास अपने, तो आज वो वापस आ रहे, तो वही आएँगे हमें लेने यहाँ तक। क्यों निकाला मम्मा डबल? तो फिर मुझे जाना था एक्चुअली, मम्मी ने तो क्या जाना था, मुझे जाना था। वो सोता लेके जाते हैं ना, जैसे मैं गई ही नहीं उनके पास, तो मैंने सोचा कि अभी चलो अच्छा मौका है, छुट्टियां भी है, वो लोग भी है, तो उन्हीं के साथ ही जाना रहेगा हमारा। फिर तो उनका वेट कर रहे हैं, वो लोग पहुँच गए, बोलते पित्थल से ऊपर आ गए थे हम लोग, अब पता नहीं कहाँ तक पहुँचे। और मम्मी आ रहे हैं, उनसे बेचारे से चला नहीं जाता, उनकी टांग में दर्द लगती है, मतलब उनके घुटनों में दर्द है, और वो भी मेरे साथ सफ़र करते हैं। फिर तो क्या कर सकते हैं, फिर चलो अकेले कैसे, अभी तो हम उनके साथ जाएंगे, फिर वापसी में फिर थोड़ा सा अव्य के साथ इम्पॉसिबल हो जाती है चीज़ें। क्या कर रहे हो अव्या? सो देखते हैं कब तक आते हैं वो लोग। पसीने से हाल बेहाल है। खाओ ज़रा अपने हैंड, ये क्या किया अपने हैंड में आपने, देखो ज़रा मिट्टी मिट्टी वाले, ये देखो ऐसे कोई करता है, हैं? सारे जर्म्स आपके पेट्टू में चले जाएंगे, अब कहाँ वॉश करेंगे हम इनको, हैं? हेलो हेलो, अबे पूछी का देख भाई को, पूछी कर भाई को, ए दीदू कैस किया,
कस क्या पीछे ये कौन है अभी कौन है भैया 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 भाई भाई है तो प्यारा है आ जाएगा उसको वैसे ही वो अरे उसको दो रहने अव्या को क्योंकि अभी वो चलने लगी है ना तो कहाँ जा रही है अव्या आज घूम जा बोलो ना परे उस डब्बे से पीछे गिरेगा तो नहीं बंद है ना मिल गया फिर ये वो डब्बा इसमें से किसी को कौन सा डब्बा भगवान लिफाफे की ज्यादा टेंशन है मेरी माता जी को इंसान से ज्यादा जरूरी क्या लिफाफे नीचे भी गिरते जब डूमोगी ना डूमोगी मामा कैसे करती है चोट कैसे करती है डब्बल उठा दिया है मामा ने उठा दिया जैसे कि मेरे पास है क्या वो मेरा कान डालते हम है अभी चौहान हार्डवेयर बिथल हार्डवेयर ही है ना बिथल में और थोड़ा बहुत सामान लिया मैंने लाइनिंग ली और वो दीदी वगैरह थोड़ा सा घर वाला सामान ले रहे हैं आटा चावल तो अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और धूप पता कैसी है बेतहाशा और ये बिंदी तो मेरी छूटती रहती है आई मामू क्या बोलते हैं अभी इसको इसको क्या बोलते हैं जो आई जो आपके हाथ में उसको क्या बोलते हैं क्या डबल डबल क्या बोलते हैं जी डबल क्या काम होता है ये थैंक यू कौन बोलेगा थैंक यू बोल जल्दी बोलो ओए सारथी लाटा पीछे देखो देखो जेठू देखो देखो दे क्यों दे शेयर करके खाओ भाई शेयर करो शेयर करो मेरा तो नहीं शेयर करो शेयर करो शेयर कर दूं मैं देखो सो अभी हम पहुंचे हैं बिथल के आगे लूरी बोलते हैं लूरी पहुंचने वाले हैं मतलब पहुंचे नहीं हैं अभी और मुझे ये रास्ता देख देख के अपने पुराने दिन याद आ गए जब हम नानी के घर जाते थे नाना लेके जाते थे हमें अपने साथ और फिर हम खुशी खुशी मज़े से सर्दियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे और इस रास्ते से उतरे जाते थे और अब इधर से जाना बिल्कुल भी नहीं होता है मेरे लिए तो बिल्कुल अलग ही है अब ये हम पहुंच चुके हैं दीदी वगैरह के रूम और दीदी के रूम के सामने बिल्कुल ऐसा नज़ारा है एकदम ढांक और खड्ड कहाँ जाना अव्या भैया के साथ खेल लो इसको बोलो चिकू बोलो दे दो भैया को दे दो अव्या दे दो दे दो नो दे दो भैया को दे दो थैंक यू आप बड़ी दीदी हो ना बड़ी दीदी हो ना हाँ वो कैसे बैठ सकता है वो छोटा है ना अभी शराबी इसके सारे उठाए खड़ा फिर जैसे खुद का बदल काका
आप देख सकते हो अभया और अभया के भाई जी की मस्ती। मैंने इनमें से एक दीदी क्या देख रही है, क्योंकि जब ये दोनों बड़े होंगे ना और ये सब चीजें देखेंगे तो ये लोग ही क्या करना हो जाएंगे। और अभया को बड़ी दीदी बनके तो बड़ा मजा आ रहा है। नहीं नहीं एक्सरसाइज नहीं करता भैया, नहीं करता एक्सरसाइज। ये दे दो बेटो, एक एक दे दो, एक दे दो, लो आप खा लो, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। अरे ये तो भैया को दे दो, क्यों तो भैया को भी दे दो, चलो भैया को दे दो, दे दो चिकू, ले लो, थैंक यू, खा लो अब। एक पुच्ची, एक पुच्ची कर दो बेटू। इधर देखो तो मम्मा की तरफ देखो तो बाय। कब आओगे अब मासी के घर, कब आओगे, कब आओगे मासी? पहले जब मैं ये काटूंगा ना नीचे आना आप। ठीक है ठीक है, पर आऊंगा, ठीक है फिर आऊंगा मैं। आज चीजी दे दो इसको, बटरफ्लाई को चीजी दे दो, चीजी दे दो तब ये आएगी, चीजी दे दो। नहीं आ रही, नहीं आ रही बेटा, नहीं आ रही, मना कर रही है, मना कर रही है, नहीं आना। अरे रुक जाओ, थैंक यू। अबे ककड़ी, आपने खाई? मस्त मजे है यहाँ पे, सेब लगी तो नहीं, दो बाल है उसमें। अभी इधर आओ, इधर आओ, मस्त मजे यहाँ पे। खीरा खाओ, निकालो, वॉश करो और कट भी ना करो, चट करो। क्यों अभी चट करो और चट करो। हेलो 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 गाइस, बोलो हेलो। ककड़ी खाओ, मस्त मजे पाओ, बोलो पाओ, पाओ मस्त मजे पाओ। देखो ये ऐसे ऐसे बंदर, एक हाथ में, एक हाथ में खीरा, दूसरे हाथ में एप्पल। मम्मू को भी दो, हाँ।